खुदा भी सर झुकाता है जहां पूजे जिसे संसार, हीरे मोती से भी अनमोल है माँ का प्यार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित चोपड़ा और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपका अपना YouTube चैनल जो है रोहित चोपड़ास क्रिएटिविटी। दोस्तों, आज जो मैं आपको अपनी कविता सुनाने जा रहा हूँ, इसका शीर्षक यानी कि टाइटल है माँ सब देख लेती है। तो मेरी ये कविता कुछ इस प्रकार है। ममता की आंच में प्यार की रोटियां सेक लेती है, ममता की आंच में प्यार की रोटियां सेक लेती है, मुझे रहती नहीं फिक्र किसी बात की क्योंकि माँ सब देख लेती है। आज मेरी कहां और किसके साथ लड़ाई हुई, आज मेरी कहां और किसके साथ लड़ाई हुई, कल के एग्जाम के लिए मेरी कितनी पढ़ाई हुई, मेरी हर गलती पर रहती है नजरें गड़ाई हुई, क्या मेरे लिए अच्छा है यह पहले ही देख लेती है, मुझे रहती नहीं फिक्र किसी बात की क्योंकि माँ सब देख लेती है। मेरी कौन सी जरूरत की चीज कहां पर पड़ी है, मेरी कौन सी जरूरत की चीज कहां पर पड़ी है, कहां पर मोबाइल का चार्जर, कहां मेरा बैग और कहां मेरी घड़ी है, सब जानती है माँ, ना जाने हाथों में कौन सी जादू की छड़ी है, जरूरत का रखती है ध्यान, खुद ही सब देख लेती है, मुझे रहती नहीं फिक्र किसी बात की क्योंकि माँ सब देख लेती है। मेरी खुशी में हंसती है और मेरे गम में रोती है, मेरी खुशी में हंसती है और मेरे गम में रोती है, मेरे जागने से पहले जागती है और मेरे सोने के बाद सोती है, आता नहीं देर रात घर परेशान वो होती है, मेरे दिल में क्या है मेरे चेहरे से देख लेती है, मुझे रहती नहीं फिक्र किसी बात की क्योंकि माँ सब देख लेती है। ममता की आंच में प्यार की रोटियां सेक लेती है, ममता की आंच में प्यार की रोटियां सेक लेती है, मुझे रहती नहीं फिक्र किसी बात की क्योंकि माँ सब देख लेती है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है ये कविता आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो इस कविता को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले हफ्ते दोबारा आऊँगा मैं अपनी नई क्रिएटिविटी, अपनी नई कविताओं के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और करते रहिए जो भी आप करना चाहते हैं। नमस्कार।